वायुसेना के नए एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने कार्यभार संभाल लिया है। दत्त जाने से पहले एयर चीफ मार्शल वॉर मेमोरियल पर गए और युद्ध में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। पदभार संभालने के बाद वायुसेना चीफ ने श्रद्धांजलि दी वीर शहीदों को। वॉर मेमोरियल वो आज सुबह पहुंचे और नए कार्यभार को संभाला। और इस खास मौके पर हमारे संवाददाता मंजीत नेगी ने एयर चीफ मार्शल से खास बातचीत की। सरहद पर चीन पाकिस्तान की चुनौती हो या फिर कोई आपदा, वायुसेना हर मोर्चे पर तैयार रहती है। इस वक्त हमारे साथ वायुसेना के नए प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। और किस तरह से आप जो मौजूदा हालात हैं उसमें चुनौतियों को देखते हैं और क्या प्राथमिकताएं आपकी होंगी वायुसेना प्रमुख के तौर पर? प्राथमिकता तो यही रहेगी कि हर तरह की चुनौती का सामना करने के लिए हम हमेशा तैयार रहें। इसके लिए हमारी ट्रेनिंग और इक्विपमेंट और मोटिवेशन को बढ़ावा दिया जाए। हम जैसे मैं अभी बताया कि हमारे वायुसैनिकों में बहुत क्षमता है, बहुत पोटेंशियल है और अधिक ज्ञान प्राप्त करने की और अधिक प्रशिक्षण प्राप्त करने की, इसी से हमारी तैयारी पूरी हो सकती है। और जैसे अभी मैंने बताया कि पूर्व वायुसेना अध्यक्षों ने काफ़ी बड़े कदम लिए थे आत्मनिर्भरता की ओर। मेरा यही प्रयास रहेगा कि हर दृष्टि से हम स्वावलंबी रहें और आत्मनिर्भरता को और भी बढ़ावा दें। हमने देखा कि पिछले दिनों में जिस तरह की चुनौतियां हमारे दोनों सरहद पर रही हैं, चाहे पाकिस्तान के साथ हो या खासतौर से चीन, पिछले 1.5-2 सालों के दौरान वायुसेना ने अहम भूमिका निभाई एक दबाव बनाने पर। आगे आने वाले समय को देखते हुए किस तरह की तैयारी होगी खासतौर से सरहद पर दुश्मनों के खिलाफ? आपको जानकारी है कि हमने जितना हमारे नए इक्विपमेंट हमने इंट्रोड्यूस किया है पिछले एक साल में, जैसे कि रफाल फाइटर्स हैं या सर्फेस टू एयर गाइडेड वेपन्स हैं, सबको हमने बहुत कम समय में हमने उसको ऑपरेशनली रेडी करके तैनात किया था। इसी तरह जितना भी नया इक्विपमेंट आएगा उसको भी हम तुरंत ही ट्रेनिंग और डिप्लॉयमेंट के तौर से उसकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी एनहांस करेंगे। ऐसे कौन से हथियार होंगे आने वाले दिन, चाहे मेक इन इंडिया की हम बात करें या फिर हम जो बाहर से मेक इन इंडिया के जरिए बना रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफ़ी जोर रहता है कि हम अपनी ताकत को मेक इन इंडिया के जरिए बढ़ाएं। इंडियन मेड DRDO की तरफ से प्रोड्यूस जो हैं, जैसे कि अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल हैं, 83 एडिशनल LCA हैं, MR SAM हैं, आकाश एडिशनल हैं, ये सारे मेड इन इंडिया हैं और इसको हम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हम उसको ऑपरेशनलाइज करेंगे। आखिरी सवाल सर, हमने देखा कि चाहे किसी भी चुनौती हो, अफगानिस्तान में किस तरह से लोगों को आपने रेस्क्यू किया या कोविड के समय और या फिर सरहद पे किस तरह की जो चुनौतियां होती हैं, वायुसेना हर मोर्चे पर तैनात रहती है, क्या मैसेज होगा आपका अपने एयर वॉरियर के लिए, लोगों के लिए? ये वायुसैनिकों के लिए तो यही मैसेज रहेगा कि देश की हर चुनौती का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहना है हमें। हमें चुनौती किस तरह से आएगी, किस प्रकार से आएगी, हम इसका अंदाज नहीं लगा सकते हैं, पर हमें ट्रेनिंग और प्रिपेयरनेस की तरफ से हमेशा हम तैयार रहेंगे। बहुत धन्यवाद। तो वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी का कहना है कि अपनी तैयारी ट्रेनिंग से हर मोर्चे पर हमेशा देश के लिए तैयार रहेंगे। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ मजीत नेगी, दिल्ली आज तक। तो एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी को सुन रहे थे आप, जिनका कहना था कि कई अहम चुनौतियां हैं, LAC हो, LOC हो, सभी को लेकर वो मुस्तैद हैं और नए इक्विपमेंट्स और हथियार किस तरीके से सेना में शामिल किया जाए ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। पंजाब से दिल्ली तक की हलचल तेज हो गई है। हमने देखा था कि कैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह मिलने पहुंचे थे दिल्ली, अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की थी, लेकिन आज पंजाब संकट पर चन्नी पहुंच रहे हैं दिल्ली। चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के नवनिर्वाचित CM आज दिल्ली आएंगे
और सीएम चन्नी की इस मुलाकात से चंडीगढ़ तक हलचल तेज हो गई। सत्येंद्र चौहान हमारे संवाददाता से तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए। सत्येंद्र, किससे मुलाकात होने वाली है, इस मुलाकात के बारे में कुछ जानकारी, क्यों दिल्ली आ रहे हैं चन्नी? देखिए नेहा, सबसे बड़ी बात तो यही है कि जो कांग्रेस में अंतर कलह थी वो दरअसल थमने का नाम नहीं ले रही है। कल की भी अगर आप बात करें, कल शाम को आपने पूरा घटनाक्रम देखा होगा, किस तरीके से ये कहा गया कि चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच में सुलह का फॉर्मूला तैयार हो गया है, दोनों एक साथ प्रेस को संबोधित करेंगे। लेकिन जिस तरीके से दोनों नेता अलग अलग गाड़ियों में निकले और प्रेस कॉन्फ्रेंस को रद्द कर दिया गया, और अंदर से जो खबरें आई उन खबरों में साफ ये कहा गया था कि सुलह पर जो है चरणजीत सिंह चन्नी ने साफ कह दिया है कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एडवोकेट जनरल बगले नहीं जाएंगे, और उनकी जगह पर अगर नवजोत सिंह सिद्धू चाहें तो अल्टरनेट के तौर पर मैं किसी सॉलिसिटर जनरल को लगा सकता हूं जो अलग से इन केसों को देखे। तो कुल मिलाकर जो रार और तकरार बनी हुई थी वो थमने का नाम नहीं ले रही है, और अब चरणजीत सिंह चन्नी आज फिर दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। और पिछले घटनाक्रम को देखें तो तब से चीफ मिनिस्टर बने हैं, ये चौथा चक्कर है दिल्ली का, तो कहीं ना कहीं पार्टी आला कमान को सफाई देने के लिए, उन्हें बताने के लिए, उनको समझाने के लिए कि क्या माहौल है पंजाब का, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू को भी बहुत ज्यादा ये ब्रीफिंग तो फोन पर भी हो सकती थी, इसके लिए चन्नी को खुद क्यों दिल्ली आना पड़ रहा है? देखिए कल की भी अगर खबरों की बात करें तो कल तीन सदस्य एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें चरणजीत सिंह चन्नी, नवजोत सिंह सिद्धू और खासकर हरीश चौधरी जो प्रभारी बनकर दिल्ली आए थे, और मामला ऐसा लग रहा है कि हरीश चौधरी से संभल नहीं रहा है क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू भी अपने तेवर तल्ख किए हुए हैं, तो दूसरी तरफ चरणजीत सिंह चन्नी ने डमी चीफ मिनिस्टर बनने से साफ इनकार कर दिया है। हो सकता है इन्हीं चर्चाओं को और इन्हीं मसलों को सुलझाने के लिए और इन्हीं वार्तालाप को करने के लिए चरणजीत सिंह चन्नी दिल्ली आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सत्येंद्र इस तमाम जानकारी के लिए आपका। पंजाब संकट पर दिल्ली से चंडीगढ़ तक हलचल तेज हो गई है क्योंकि आज चरणजीत सिंह चन्नी दिल्ली पहुंचने वाले हैं, और ये कहा जा रहा है कि कल जो उनकी मुलाकात हुई थी दरअसल नवजोत सिंह सिद्धू के साथ, उसी को लेकर आज की मुलाकात पार्टी हाईकमान से हो सकती है। सिद्धू से सुलह नहीं होने के बाद सीएम अब दिल्ली आ रहे हैं, तो जो सुलह के रास्ते अभी तक चन्नी के माध्यम से खुले हुए थे वो भी दरअसल बंद दिखाई दे रहे हैं। वहीं कांग्रेस से अलग होने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने सियासत में नए कदम की तैयारी में हैं। सूत्रों के मुताबिक कैप्टन जल्द ही अलग पार्टी बना सकते हैं। 12 से ज्यादा कांग्रेसी नेता कैप्टन के संपर्क में हैं और इस मामले में करीबियों से बातचीत चल रही है। कैप्टन की पंजाब के कुछ किसान नेताओं से भी मुलाकात हो सकती है। आई विल टेल यू लेटर, आई हैव ऑलरेडी सेड सो। नंबर वन, मैं आई एम नॉट गोइंग टू रिमेन इन द कांग्रेस। नंबर टू, आई एम नॉट ज्वाइनिंग द बीजेपी, दैट इज इनफ फॉर मी एट द मोमेंट। सिद्धू इज नॉट द राइट मैन फॉर पंजाब, एंड अगर वो लड़ेगा जहां से भी लड़ेगा मैं उसको नहीं जीतने दूंगा। आई थिंक सो। देखिए बात सुनो, सिद्धू का काम है पार्टी चलाना, चरणजीत चन्नी का काम है गवर्नमेंट चलाना। मुद्दियां दी है, मसलियां दी है, और पंजाब पक्षी एक एजेंडे दी है जिद ते मैं बहुत देर का खड़ा रहा, और इस एजेंडे दे नाल पंजाब दे पक्ष पूर्ण दे लई मैं हक सच की लड़ाई लड़ता रहा। इहदे च कोई समझौता सी ही नहीं, इहदे च अहुदियां दा कोई मायना सी ही नहीं। ये मेरा फर्ज सी, मेरा धर्म सी। ये मेरे प्यो ने एक कोई गल दसी है कि जदों किते भी द्वंद हो गए सच की राह ते तुर ते मोरल अथॉरिटी रख के नैतिकता दे नाल कोई समझौता नहीं, ता ही आवाज दे विच फल आई। जो प्रधान होता है पार्टी का वो हेड होता है, तो हेड ने परिवार में बैठकर अपनी मजबूती से बात रखकर अपनी बातों को आगे लेकर आना होता है। पार्टी सुप्रीम होती है, सरकार पार्टी की आइडियोलॉजी को मानती है और उसको उसके ऊपर चलती है। आप आओ बैठकर बात करो, जिस तरीके से आपको कोई गलतियां लग रही हैं वो पहले भी आप कर सकते थे, आप भी कर सकते हो। रीट की परीक्षा राजस्थान में हुई, सरकार ने सुबह 7 बजे से इंटरनेट बंद कराया और पेपर सुबह 6 बजे कई मोबाइल पर पाया गया, जिसके बाद रीट के एग्जाम में बैठने वाले 16 लाख बेरोजगारों को प्रदर्शन के लिए लाचार होना पड़ा। Thank you.
26 सितंबर को राजस्थान की जिस सबसे बड़ी परीक्षा में 2 मिनट की देरी के नाम पर परीक्षार्थियों के लिए सेंटर के दरवाजे नहीं खुले, उसी राजस्थान में शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी रीट के एग्जाम में बैठने वाले 16 लाख बेरोजगारों को प्रदर्शन के लिए लाचार बनाकर छोड़ दिया गया क्योंकि पेपर लीक हो गया। राजस्थान में शायद ही कोई परीक्षा हुई हो जिसका प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ हो। अब सबसे बड़ी परीक्षा रीट का प्रश्न पत्र भी बाजार में आ गया। ये सारे छात्र छात्राएं हैं जिन्होंने सालों मेहनत करने के बाद परीक्षा दी थी और इसके बाद अब यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों के बेटे को माफ करिए, हमको जीने दीजिए। आप 2 साल से मुख्यमंत्री आवास में बैठे हो, हमारी पीड़ा से आपका कोई लेना देना नहीं है। जिस पुलिस को राजस्थान में पेपर लीक करने वाले गिरोह को लाखों बच्चों का भविष्य रौंदने से रोकना चाहिए, वो तो छात्रों के आंदोलन को दबाने के लिए कुर्सियां तोड़ती और मोहल्ले में छावनी बनाती दिखी। राजस्थान की सबसे बड़ी परीक्षा शिक्षक पात्रता परीक्षा के पेपर आउट हो गए। पेपर आउट होने के बाद जो परीक्षार्थी थे वो प्रदर्शन करना चाहते हैं, मगर प्रदर्शन रोकने के लिए किस तरह से इस पूरे इलाके को छावनी बना दिया गया है क्योंकि इस घर में उपेन यादव रहते हैं, राजस्थान में बेरोजगारों की आवाज उठाने वाले छात्र नेता जो पेपर लीक के बाद आंदोलन का नेतृत्व करने निकलते हैं, तो जयपुर की पुलिस को अपना कर्तव्य याद आता है। उपेन यादव को पकड़ कर हिरासत में ले लिया जाता है। बेरोजगारों की आवाज उठाने वाले उपेन को पुलिस ऐसे दबोचती है जैसे अपराधी हो। लेकिन पेपर लीक के मास्टरमाइंड बत्तीलाल मीणा को पुलिस नहीं खोज पाती। वो मुख्य आरोपी जो कांग्रेस का ही नेता है, जिसकी तस्वीरें शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह समेत कई कांग्रेस नेताओं के साथ सोशल मीडिया में मौजूद है। 26 सितंबर को रीट की परीक्षा के पेपर आउट होने से पहले जो 25 सितंबर को कांग्रेस के दफ्तर में ही मुख्य आरोपी दिख रहा था, और मंत्री कहते हैं कहां का पेपर लीक, कौन सा पेपर लीक। ये रीट की परीक्षा रीटोत्सव में बदल गई, उत्सव आयोजन, और जो बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा के जो लोग आए वो कह रहे हैं हमने हमारे जीवन में इतने बड़े होके इस तरह के इंतजाम राजस्थान की सरकार ने किए वो नहीं देखे, तो मैं समझता हूँ इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती। कैसी बात करते हैं आप, ऐसा कुछ नहीं। रिट के एग्जाम में जो भी है वो पूरी जांच सामने आ गई, और कहीं ऐसा होगा तब ना। 100 से ज्यादा लोगों को अब तक राजस्थान की पुलिस रीट परीक्षा में धांधली के आरोप में पकड़ चुकी है। 2 बड़े अधिकारी, 1 SDM, 2 पुलिस अधिकारी, 1 जिला शिक्षा अधिकारी समेत 20 से ज्यादा पुलिस वाले पकड़े गए, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं कि पेपर लीक हुआ होगा। मुख्यमंत्री गहलोत और उनकी सरकार तो इसी बात पर लहालोट है कि उन्होंने छात्रों को एग्जाम देने के लिए मुफ्त बस का इंतजाम करा दिया। रीट परीक्षा को रीटोत्सव बताकर सरकार खुश है, जबकि कहानी ये रीट परीक्षा का प्रश्न पत्र लेकर जा रहे ट्रक का जयपुर दिल्ली हाईवे पर एक्सीडेंट होता है, मौके पर ड्राइवर की मृत्यु होती है, पुलिस 3 घंटे बाद पहुंचती है, दावा इसी दौरान रीट के कई पेपर की सील खोली गई और पेपर लीक हुआ। जैसे किसी ने कैंची से उसको काटा है ना, और जब मैंने उनको बोला कि खुला है पेपर, तो उन्होंने पेपर उठा के फेंक दिया, कहा कि वहीं से आया है बोर्ड से। अगर पेपर खुला हुआ आता तो इस तरीके से खुला हुआ कभी भी नहीं आता वो पेपर। राजस्थान में पर्चा आउट ना हो तो फिर भर्ती कैसी। हालत ये कि जुलाई 2014 में RAS भर्ती परीक्षा आउट होने से रद्द हुई, दिसंबर 2015 में LDC भर्ती पेपर लीक से रद्द हुई, मार्च 2018 में कांस्टेबल भर्ती भी पेपर लीक के कारण रद्द करनी पड़ी, 2019 में पटवारी भर्ती रद्द हुई, दिसंबर 2019 में लाइब्रेरियन परीक्षा का पेपर भी लीक हो गया, दिसंबर 2020 में जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा का पेपर भी सुरक्षित नहीं करा पाई सरकार, अब 2021 में सब इंस्पेक्टर और रीट भर्ती में पेपर लीक का बड़ा आरोप है। इतने पेपर लीक वाले राजस्थान में रीट की परीक्षा रद्द ना हो जाए और सरकार की भद्द ना पिट जाए, इसलिए हाई कोर्ट में सरकार खुद ही कह आई, हमारी पहले सुन लीजिएगा। ये पेपर एक गिरोह है, इसको बड़ा नेता पनाह दे रहा है, तो गिरोह की चेन टूटनी चाहिए, गिरोह को जेल में होना चाहिए, सख्त कानून बने, गैर जमानती कानून बने, युवाओं को न्याय मिले। कई युवाओं को 130-135 नंबर आया, गिरवी जमीन रखी है, उन्होंने बड़ी मेहनत की है, लेकिन जब ये जो गिरोह है उनके पास पेपर चला जाएगा, वो नौकरी लगेंगे, तो क्या देश और प्रदेश का भविष्य बनाएंगे वो लोग। अब जब ईमानदारी से पेपर कराने की मांग लेकर छात्र रात तक प्रदर्शन करते हैं, तब भी ये सरकार को नहीं सुहाता, पुलिस लाठी चलाती है, छात्र जख्मी होते हैं, मैदान खाली करा दिया जाता है। काश छात्रों पर लाठी चलाने में पुलिस लगाने वाली व्यवस्था अपनी परीक्षा प्रणाली की अव्यवस्था को दूर करने की भी सोच पाती। शरद कुमार, जयपुर आज तक। और मंत्री कहते हैं कहां का पेपर लीक, कौन सा पेपर लीक।
ऐसा कुछ नहीं, रिट के एग्जाम में जो भी है वो पूरी जांच सामने आ गई और कहीं ऐसा होगा तब ना। 100 से ज्यादा लोगों को अब तक राजस्थान की पुलिस रीट परीक्षा में धांधली के आरोप में पकड़ चुकी है। 2 बड़े अधिकारी, 1 SDM, 2 पुलिस अधिकारी, 1 जिला शिक्षा अधिकारी समेत 20 से ज्यादा पुलिस वाले पकड़े गए, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं कि पेपर लीक हुआ होगा। मुख्यमंत्री गहलोत और उनकी सरकार तो इसी बात पर लहालोट है कि उन्होंने छात्रों को एग्जाम देने के लिए मुफ्त बस का इंतजाम करा दिया। रीट परीक्षा को रीटोत्सव बताकर सरकार खुश है, जबकि कहानी ये रीट परीक्षा का प्रश्न पत्र लेकर जा रहे ट्रक का जयपुर दिल्ली हाईवे पर एक्सीडेंट होता है। मौके पर ड्राइवर की मृत्यु होती है। पुलिस 3 घंटे बाद पहुंचती है। दावा इसी दौरान रीट के कई पेपर की सील खोली गई और पेपर लीक हुआ। जैसे किसी ने कैंची से उसको काटा हो, है ना? और जब मैंने उनको बोला कि खुला है पेपर, तो उन्होंने पेपर उठा के फेंक दिया, कहा कि वहीं से आया है बोर्ड से। बोर्ड से अगर पेपर खुला हुआ आता तो इस तरीके से खुला हुआ कभी भी नहीं आता वो पेपर। राजस्थान में पर्चा आउट ना हो तो फिर भर्ती कैसी? हालत ये कि जुलाई 2014 में RAS भर्ती परीक्षा आउट होने से रद्द हुई। दिसंबर 2015 में LDC भर्ती पेपर लीक से रद्द हुई। मार्च 2018 में कांस्टेबल भर्ती भी पेपर लीक के कारण रद्द करनी पड़ी। 2019 में पटवारी भर्ती रद्द हुई। दिसंबर 2019 में लाइब्रेरियन परीक्षा का पेपर भी लीक हो गया। दिसंबर 2020 में जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा का पेपर भी सुरक्षित नहीं करा पाई सरकार। अब 2021 में सब इंस्पेक्टर और रीट भर्ती में पेपर लीक का बड़ा आरोप है। इतने पेपर लीक वाले राजस्थान में रीट की परीक्षा रद्द ना हो जाए और सरकार की भद्द ना पिट जाए, इसलिए हाई कोर्ट में सरकार खुद ही कह आई। हमारी पहले सुन लीजिएगा। ये पेपर एक गिरोह है, इसको बड़ा नेता पनाह दे रहा है, तो गिरोह की चैन टूटनी चाहिए, गिरोह को जेल में होना चाहिए, सख्त कानून बने, गैर जमानती कानून बने, युवाओं को न्याय मिले। कई युवाओं को 130-135 नंबर आया, गिरवी जमीन रखी है, उन्होंने बड़ी मेहनत की है, लेकिन जब ये जो गिरोह है उनके पास पेपर चला जाएगा, वो नौकरी लगेंगे, तो क्या देश और प्रदेश का भविष्य बनाएंगे वो लोग? अब जब ईमानदारी से पेपर कराने की मांग लेकर छात्र रात तक प्रदर्शन करते हैं, तब भी ये सरकार को नहीं सुहाता। पुलिस लाठी चलाती है, छात्र जख्मी होते हैं, मैदान खाली करा दिया जाता है। काश छात्रों पर लाठी चलाने में पुलिस लगाने वाली व्यवस्था अपनी परीक्षा प्रणाली की अव्यवस्था को दूर करने की भी सोच पाती। शरद कुमार, जयपुर आज तक। पंजाब कांग्रेस का संकट नए दिन के साथ नया ट्विस्ट ले रहा है। सिद्धू की नाराजगी को दूर करने के लिए कल CM चन्नी के साथ 2 घंटे की मुलाकात हुई, लेकिन लगता है कि बात बनी नहीं। कमेटी के गठन का फॉर्मूला भी बना। हाल ये है कि दिल्ली से चंडीगढ़ तक हलचल है। उधर सिद्धू नाराज बैठे हैं, इधर CM चन्नी दिल्ली दौरे पर आ रहे हैं। कांग्रेस के अलग राह पर चुके अमरिंदर सिंह अब नई पार्टी बनाने की सोच रहे हैं। तो पंजाब कांग्रेस में अब भी कलह और कलेश की स्थिति बनी हुई है। कैप्टन का नई पार्टी का ऐलान है, उन्होंने साफ कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी का तो कम से कम हिस्सा नहीं बनने वाले। चन्नी आज दिल्ली पहुंच रहे हैं, ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। पार्टी हाईकमान से ये मुलाकात हो सकती है, लेकिन सिद्धू पर सस्पेंस अभी भी बना हुआ है कि क्या सिद्धू को आगे भी मनाने की कोशिश पार्टी करेगी या फिर नहीं, क्योंकि चन्नी अपनी तरफ से कोशिश कर चुके हैं और ये कोशिश लगता है विफल हुई है। तो पंजाब में हर नेता के लिए अलग रास्ते तैयार हैं। कैप्टन नई पार्टी बना रहे हैं, तो वहीं चन्नी सरकार चला रहे हैं और सिद्धू नाराजगी की नई किताब पढ़ रहे हैं। यानी कांग्रेस के लिए पंजाब लगातार उलझता जा रहा है। पहले सिद्धू ने कैप्टन के खिलाफ मोर्चा खोला, तो अब अमरिंदर ने भी मानो कसम खा ली है कि वो सिद्धू की सियासी राह में कांटे ही कांटे भर देंगे। कांग्रेस के लिए पंजाब की स्थिति सांप छछुंदर जैसी हो गई है, जिसे न उगलते बन रहा है और न ही निगलते। गजब फजीहत में पड़ गई है कांग्रेस, जिसने पहले सिद्धू के लिए पंजाब में कैप्टन से किनारा किया, लेकिन अब वही सिद्धू पार्टी की मुसीबत बढ़ा रहे हैं। अब तो अमरिंदर ने भी कांग्रेस से कन्नी काट ली है और फिर से नवजोत सिंह सिद्धू को उन्हीं के अंदाज में बाउंसर पर बाउंसर फेंके जा रहे हैं। अपने 48 घंटे के दिल्ली प्रवास के दौरान सियासी मुलाकातों से हलचल मचाने वाले कैप्टन जब वापस चंडीगढ़ पहुंचे, तो सिद्धू के खिलाफ फिर से अपना पूरा गुबार निकाल दिया। हम आपको एक एक करके सिद्धू पर दागी गई कैप्टन की मिसाइलों की गूंज सुनाते हैं। मैं तो लोग पहले भी कह है, सिद्धू इज नॉट द राइट मैन फॉर पंजाब। अगर वो लड़ेगा, जहां से भी लड़ेगा, मैं उसको नहीं जीतने दूंगा। कैप्टन साहब, आपने कहा कि आप जो है कांग्रेस से अलग हो जाएंगे,
कब आप इस्तीफा जो है वो भेज रहे हैं सोनिया गांधी को? आप अप्रोप्रिएट टाइम पे बताऊंगा आपको। हालांकि चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर कैप्टन ने जो बातें कही वो पहले भी ऐसे आरोप लगा चुके हैं, लेकिन बार बार वजन देकर एक ही बात को दोहराने का मतलब है कि उन्होंने सिद्धू के खिलाफ अपनी अदावत का खुला ऐलान कर दिया है। दिल्ली से चंडीगढ़ पहुंचे कैप्टन अमरिंदर सिद्धू को बख्शने के मूड में कतई नहीं थे। तरकश में जहर बूझे तीर अभी और थे। सिद्धू का काम है पार्टी चलाना, चरणजीत चन्नी का काम है गवर्नमेंट चलाना, और गवर्नमेंट चलाने को इंटरफेरेंस कभी नहीं होती। मैंने अपने टाइम में दो बार गवर्नमेंट चलाई है, तीन बार मैं पीसीसी प्रेसिडेंट रहा हूँ। एक दूसरे से बात करते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन है चरणजीत चन्नी का जो चीफ मिनिस्टर है, नॉट सिद्धू। मेरे 9.5 साल की चीफ मिनिस्ट्री में कई प्रधान रहे हैं, हमारी एक दूसरे के साथ बातचीत होती थी, बट कभी ये जो हाल जो सिद्धू ने बनाया एक पहले कभी नहीं। इधर चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर कैप्टन सिद्धू पर धाए धाए गोलियां चला रहे थे, तो उधर चंडीगढ़ के पंजाब भवन में सीएम चन्नी और सिद्धू में सुलह का फॉर्मूला तैयार हो रहा था। कौन कितना रजामंद हुआ, कौन कितना संतुष्ट हुआ, ये तो बाद की बात है, लेकिन उससे पहले ये जरूर तय हो गया है कि अगले साल विधानसभा चुनाव में सिद्धू की राह में अमरिंदर बड़े बड़े कांटे लेकर तैयार हैं। सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़ आज तक। नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब में कांग्रेस की आवाज थे, जो अपनी लच्छेदार भाषा से समा बांध देते थे। वो नवजोत सिंह सिद्धू खामोश अब पड़े हुए हैं। कभी पंजाब कांग्रेस को अपनी मुट्ठी में होने का गुमान करने वाले सिद्धू ये बताने की हालत में भी नहीं है कि उनकी हैसियत अभी क्या है। तो यहाँ पे आप देखिए नवजोत सिंह सिद्धू पहुंच गए हैं और उनसे बात करते हैं। सिद्धू, नवजोत सिंह सिद्धू यहाँ पे पहुंचता है। सर, बैठक होने वाली है। सर, आपने ट्वीट किया है। सर, आपने डीजीपी को लेकर सवाल खड़े किए हैं। यहाँ पे नवजोत सिंह सिद्धू आप देखिए तस्वीरों में सिद्धू यहाँ पे और अपने आप यहाँ पे सिक्योरिटी को हटाते हुए। चंडीगढ़ का पंजाब भवन, वक्त दोपहर करीब 3:30 बजे। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफे के बाद पहली बार चंडीगढ़ पहुंचे ये नवजोत सिंह सिद्धू हैं। ये उस सिद्धू का काफिला है जो अध्यक्ष बनने के बाद से जोश में थे, मंच पर खुलकर अमरिंदर को ललकारते थे, खुद को बॉस दिखाते थे। लेकिन सिद्धू के काफिले की इस तस्वीर ने बता दिया कि फ्रंट फुट पर खेलने वाले सिद्धू बैक फुट पर आ चुके हैं। सवाल है कि सिद्धू की इस तस्वीर को उनकी विवशता का सबूत क्यों माना जा रहा है। पटियाला में नवजोत सिंह सिद्धू का घर, जहां बारिश और मीडिया की भीड़ के बीच सिद्धू खामोशी के साथ चंडीगढ़ के लिए निकल गए। ये वही सिद्धू है जिनका कुछ दिनों पहले तक आत्मविश्वास 7वें आसमान पर हुआ करता था और जो सुपर सीएम की तरह बर्ताव किया करते थे। सवाल है कि नवजोत सिंह सिद्धू की तस्वीर उनकी विकल्पहीनता को कैसे बताती है। क्रिकेट हो या फिर राजनीति, लंबी पारी के लिए भावनाओं पर नियंत्रण रखना जरूरी होता है, लेकिन सिद्धू की मुसीबत यह है कि वो बोलने में भले ही माहिर हों, लेकिन इस मामले में थोड़े कच्चे हैं। इसीलिए तो जो सिद्धू कल तक मीडिया को भाव नहीं देते थे, अपने सुरक्षा कर्मियों को उन्हें हटाने का ऑर्डर दिया करते थे, वही सिद्धू मीडिया कैमरों में आने के लिए तड़पने लगे। यहाँ पे सिक्योरिटी को हटाते हुए ये देखिए, जैसे ही सिद्धू की गाड़ी पंजाब भवन पहुंची तो वो कैसे अपनी सुरक्षा में लगे जवानों को हटने के लिए इशारा करने लगे। ये वो वक्त है जब लगातार सिद्धू ने बोला कि अपने सिद्धांतों से मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। दो दिन बाद नवजोत सिंह सिद्धू पटियाला से चंडीगढ़ पहुंचते हैं। क्या पंजाब सीएम और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच जो बातचीत होती है उससे मामला सुलझेगा या नहीं, ये बड़ा सवाल। यहाँ पे आज तक पर आप तस्वीरें देख रहे हैं, क्या ये मुलाकात आगे क्या रंग लाती है, क्या मोड़ लेती है, अब सबके कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ताओं के जहन में यही सवाल। पंजाब कांग्रेस में सिद्धू के दिन कितनी तेजी से फिरे हैं, उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिन चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए उन्होंने सारा जोर लगाया था, उनसे मुलाकात के लिए उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ा। नवजोत सिंह सिद्धू का काफिला दोपहर करीब 3:30 बजे पंजाब भवन पहुंचा।
जबकि मुख्यमंत्री चेन्नई 4:15 के आसपास पहुंचे। मतलब नवजोत सिंह सिद्धू को चेन्नई से मुलाकात करने के लिए तकरीबन 15 मिनट का इंतजार करना पड़ा। और जब 2 घंटे तक चली ये बैठक खत्म हुई तो मुख्यमंत्री बिना कुछ कहे थम्सअप का साइन दिखाकर चलते बने। सर ने थम्सअप साइन दिखाया है, हम लोग ने पूछा कि क्या हुआ और चरणजीत सिंह चन्नी ऐसे साइन दिखाते हुए आज तक के कैमरे पर निकल गए हैं। अब इस थम्सअप का क्या क्या मतलब निकाला जाए, क्या मायने निकाला जाए। तो सीएम बाद में आए और पहले चले गए। वो अपने पीछे सिद्धू को छोड़ गए जो थोड़े दिन पहले तक थम्सअप का साइन दिखाते थे और जिनका दावा था कि मुख्यमंत्री के बुलावे पर वो बैठक में शामिल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने मुझे बातचीत के लिए बुलाया है, मैं दोपहर 3 बजे तक पंजाब भवन पहुंचूंगा, मैं किसी भी बातचीत के लिए तैयार हूं। इस ट्वीट से सिद्धू ने बताया कि वो मुख्यमंत्री के बुलावे पर बातचीत के लिए जा रहे हैं, मतलब बातचीत की पहल मुख्यमंत्री की तरफ से हुई है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस आलाकमान ने उन्हें नकारा उसने सिद्धू के सारे सुर ढीले कर दिए। जबकि इससे पहले आलाकमान हर वक्त उनके साथ रहता था, चाहे अमरिंदर के मना करने पर भी सिद्धू का पाकिस्तान दौरा हो, इमरान से मिलना हो, बाजवा को गले लगाना हो या फिर अमरिंदर सिंह की मुखालफत करते हुए मंत्री पद छोड़ना, उनकी सरकार को निशाना बनाना। नवजोत सिंह सिद्धू को 10 जनपद का आशीर्वाद हासिल था जिसकी बदौलत वो न सिर्फ पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष बने बल्कि उन्होंने अमरिंदर सिंह को इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन इस बार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने पर न तो दिल्ली से कोई फोन आया और न ही 10 जनपद में मिलने का वक्त मिला। सिद्धू को जिस तरह से अपनी वीडियो पर चन्नी का जवाब मिला उन्हें ये समझते देर नहीं लगी कि उनका खेल खत्म हो चुका है। सिद्धू साहब से टेलीफोन पे बात की है कि पार्टी सुप्रीम होती है, सरकार पार्टी की आइडियोलॉजी को मानती है और उसको उसके ऊपर चलती है, आप आओ बैठकर बात करो, जिस तरीके से आपको कोई गलतियां लग रही हैं वो पहले भी आप कर सकते थे, आप भी आप कर सकते हो। पंजाब दे हर मसले का हल वीरो इनकम है, जिहड़े लोग मसलियां दीआं गल्लां करदे सी वो मसले किथे ने, वो साधन किथे ने, कि इन्हां साधनां दे नाल असीं आपदे मुकाम तक पहुंचांगे। मैं ना तो हाईकमांड नूं गुमराह कर सकदा। इसीलिए पटियाला में रहने वाले सिद्धू को मामला सुलझाने के लिए चंडीगढ़ आना पड़ा, जहां मुख्यमंत्री से 2 घंटे की मुलाकात करने के बाद सिद्धू को खामोशी से रुखसत होना पड़ा। कई सारे मसलों पे बातचीत हो गई। किस तरह से आज तक पर परगट साहब ने इशारा किया, आप बोलने को तैयार नहीं। नवजोत सिंह सिद्धू, परगट सिंह अभी निकले हैं, यानी कि वो भी प्रेस वार्ता नहीं करेंगे, तो जुबा से कुछ नहीं कह रहे हैं। वो सिद्धू जो वाक्य युद्ध में माहिर है और लगातार क्या कहा जाता है कमेंट्री के किंग है, वो बिना कुछ कहे यहाँ से निकल गए हैं। इस तरह सिद्धू के इस्तीफा देने का दाम उन्हें उल्टा पड़ गया। जो सिद्धू 2.5 महीने पहले तक पूरी पंजाब कांग्रेस पर हावी दिखाई देते थे वो बैकफुट पर आ गए। मंजीत सैगल और सतेंद्र चौहान के साथ मौसमी सिंह, चंडीगढ़ आज तक। पंजाब चुनाव से पहले वादों की फ्री स्टाइल बाजीगरी चल रही है। चरणजीत सिंह चन्नी ने मुफ्त बिजली का वादा लुटाया तो अरविंद केजरीवाल ने फ्री इलाज का वादा कर दिया और जनता का दिल जीतने की कोशिश की। भरोसा रखो, केजरीवाल हवा में बात नहीं कर रहा। मैंने 2 बातें कही है, मुफ्त और अच्छा। चुनाव की दहलीज पर खड़े पंजाब में केजरीवाल दोनों हाथों से वादे लुटा रहे हैं, फ्री सेवा ऑफर करने की दौड़ लगा रहे हैं। भगवान ने जितनी मुफ्त चीजें दी है वो सारी। लगातार पंजाब दौरे पर जा रहे केजरीवाल ने आज दिल खोलकर वादों का पिटारा खोल दिया। आज पंजाब के लोगों को, उनके परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य के लिए मैं 6 गारंटी दे रहा हूँ। 6 गारंटी। पहली गारंटी, पंजाब के हर बंदे को मुफ्त और अच्छा इलाज मुहैया कराया जाएगा। केजरीवाल ने पंजाब की जनता को वादों की 6 गारंटी दी है, अगर ये वाकई अमल में आ गए तो समझिए जनता के वारे न्यारे हो जाएं।
सरकारी अस्पतालों में दवा इलाज मुफ्त, 20 लाख ऑपरेशन भी मुफ्त, हर व्यक्ति को हेल्थ कार्ड, 16,000 मोहल्ला क्लिनिक, बड़ी तादाद में नए अस्पताल, हादसा होने पर निजी अस्पताल में मुफ्त इलाज। ये केजरीवाल के वायदों की नई किश्त है। आपको याद होगा कि मुफ्त बिजली पाने के वादों की रेवड़ियां तो पंजाब में पहले ही बांट आए हैं। कांग्रेस भी इसी दौड़ में अपने हिस्से के वादे लुटा चुकी है। पंजाब के हर बंदे को मुफ्त और अच्छा इलाज मुहैया कराया जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ये मेरा वादा है। सारी दवाइयां, सारे टेस्ट, सारा इलाज, सारा ऑपरेशन, सब कुछ मुफ्त होगा। दिल्ली में करके दिखाया है, दिल्ली में अच्छा इलाज भी दे रहे हैं, मुफ्त इलाज भी दे रहे हैं। 2 किलो वाट दे तक दे, चाहे उधर 1 किलो वाट लोड है, चाहे उधर 500 वाट लोड है, चाहे 1.5 किलो वाट लोड है, 2 किलो वाट तक दे कंज्यूमर जिन्हें है गए हैं पंजाब दे विच, वो बकाया है सारा उन्हां लोकां दा असीं भरांगे। ऐसी सरकार ने फैसला कर लिया, सरकार उन्हां दा भरेगी। डिफॉल्टर उन्हां दे जिन कोई भी डिफॉल्टर है, जे 1 रुपये का चाहे वह 5,000 का चाहे 50,000 का। 3 बड़े ऐलान है, एक हर घर को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 2 पुराने सारे बिजली के बिल माफ, कनेक्शन बहाल, और उनका कनेक्शन बहाल होगा, जितने पुराने लोग जितने कट गए सबका कनेक्शन बहाल होगा, सबको सम्मान की जिंदगी दी जाएगी। और तीसरी चीज, 24 घंटे की बिजली मिल जाएगी। जितने पुराने बिल हैं डोमेस्टिक के, जितने पुराने बिल हैं सारे माफ किए जाएंगे। मैंने 2 बातें कही है, मुफ्त और अच्छा। केजरीवाल ने पंजाब में पूरा जोर लगा दिया है। आम आदमी पार्टी पूरे दम से चुनाव लड़ने की तैयारी में दिख रही है। संगठन के तौर पर आम आदमी पार्टी ने यहां अपना विस्तार किया है, बस तलाश है तो एक जोरदार चेहरे की। भगवंत मान पर अभी पूरा भरोसा नहीं बन पा रहा, सिद्धू पर नजर है कि वो किस डगर जाते हैं। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई थी, लेकिन आज कुछ सरकार नाम का कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इन लोगों ने सरकार का तमाशा बना दिया है। पंजाब की चुनावी लड़ाई में आम आदमी पार्टी के उतरने से बेहद दिलचस्प हो गई है। कांग्रेस आपसी टकराव की शिकार है, अकाली दल के साथ अपना संकट है। आम आदमी पार्टी के लिए गुंजाइश तो है, देखने वाली बात यह है कि वो जोर आजमाइश कितना करती है। मंजीत सहकल के साथ सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़ आज तक। आम लोकां जाने हैं, किसानां का मैनिफेस्टो बनाने हैं। दिल्ली की इन तस्वीरों के पंजाब की सियासत में बड़े मायने हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह बिना कुछ बोले दिल्ली से लौट गए, लेकिन चंडीगढ़ पहुंचते ही कांग्रेस छोड़ने का ऐलान कर दिया। मैंने कह दिया, दोपहर को आपने सुना होगा कि आई विल बी लीविंग द कांग्रेस पार्टी। ये उसका कोई कनेक्शन नहीं था, ये कुछ और बातें जो मैं सुबह भी कह चुका हूँ कि जो कई इश्यूज हैं सिक्योरिटी के वगैरह, जो मैं उनसे बात करूँ। एक लाइन में समझें तो कैप्टन और कांग्रेस की राह जुदा हो गई है। बड़ी बात यह है कि पंजाब में आने वाले दिनों में भी कैप्टन बनाम सिद्धू की जंग जारी रहेगी, ये ऐलान कर दिया। सिद्धू इज नॉट द राइट मैन फॉर पंजाब, एंड अगर वो लड़ेगा जहां से भी लड़ेगा मैं उसको नहीं जीतने दूंगा। सिद्धू का काम है पार्टी चलाना, चरणजीत चन्नी का काम है गवर्नमेंट चलाना, और गवर्नमेंट चलाने को इंटरफेरेंस कभी नहीं होती। मैंने अपने टाइम में 2 बार गवर्नमेंट चलाई है, 3 बार मैं पीसीसी प्रेसिडेंट रहा हूँ। एक दूसरे से बात करते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन है चरणजीत चन्नी का, जो चीफ मिनिस्टर है, नॉट सिद्धू। कैप्टन ने साफ कर दिया है कि हाथ को झटक कर अभी वो कमल नहीं खिलाने वाले। कैप्टन कई लोगों के अरमानों पर झाड़ू फेर सकते हैं, सियासी तराजू पर तोल मोल भी कर सकते हैं, यानी पंजाब की सियासत में अलग थलग पड़ने के बाद भी कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने लिए नए विकल्प तलाश रहे हैं।
कैप्टन साहब, आपने कहा कि आप जो है कांग्रेस से अलग हो जाएंगे, कब आप इस्तीफा जो है वो भेज रहे हैं सोनिया गांधी को? अप्रोप्रिएट टाइम पे बताऊंगा आपको। डोवाल साहब हमारे NSA हैं, मैटर्स रिलेटिंग टू सिक्योरिटी हैं जो मैं आपके साथ नहीं शेयर करूंगा, लेकिन मैं 4 साल से देख रहा हूं क्या हो रहा है पंजाब में और उनके साथ शेयर की है। डेली ड्रोन आ रही हैं, जो ड्रोन पकड़े जाते हैं ठीक है, जो नहीं पकड़े जाते वो कहाँ जा रहे हैं, क्या काम है उनका, कौन उठा रहा है उनको, ये सारी बातें नेशनल सिक्योरिटी के साथ। क्या नई पार्टी बनाएंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह? क्या भविष्य में बीजेपी में शामिल होंगे कैप्टन? क्या कांग्रेस छोड़कर सियासत से संन्यास लेंगे?